अब कोई सीरियसनेस के साथ मूवी बनाने चला है कि उसके अंदर थ्रिलर दिखाना है, उसके अंदर क्राइम दिखाना है, लेकिन वो बन रही है कॉमेडी। ठीक एक ऐसी मूवी जिसका नाम है सावी, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जब ये मूवी थिएटर्स में आई थी तब उस वक्त इसको नहीं देख पाया था, और अब मुझे लग रहा है कि यार हाँ फैसला सही था कि मैं उसको नहीं देख पाया, या फिर जो भी उस वक्त चीजें रही थी कि मैं उसको नहीं देख पाया, वो बढ़िया था मेरे लिए। अभी फिलहाल इसको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। इसकी जो लेंथ है वो 2 घंटे के आसपास है। अब बात करते हैं कि मूवी में क्या स्टोरी हमें देखने को मिलने वाली है। सावी नाम की एक लेडी है जो अपने हस्बैंड नकुल के साथ और अपने बेटे के साथ लंदन में बड़े प्यार से रह रही है। अब प्यार से रहने को तो यार देखो कौन ही देखना चाहेगा। तो राइटर साहब ने नकुल को एक केस के अंदर फंसा दिया, मतलब उसको एक मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया जाता है। जो सावी का हस्बैंड है उसने अपने बॉस का कत्ल किया है, और सावी इसको बचाने की कोशिश करती है लेकिन उसको बचा नहीं पाती और उसको जेल हो जाती है। अब सावी फैसला करती है कि अपने हस्बैंड को जेल से इलीगली बाहर निकाला जाए, जेल तोड़कर निकाला जाए, और लंदन की वो सबसे सिक्योर जेल बताई जाती है जैसा इसके अंदर बताया गया मूवी के अंदर। खैर वो कैसे करती है इसके लिए तो देखो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि मूवी में क्या अच्छा है जो इस मूवी को देखने लायक बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मूवी है 2010 के अंदर हॉलीवुड की एक मूवी आई थी नेक्स्ट 3 डेज करके, उसकी रीमेक है। और हॉलीवुड वाली जो मूवी है फ्रेंच मूवी आई थी उसकी रीमेक है। सभी रीमेक खेल रहे हैं। हॉलीवुड वाली मूवी जो वो तो सुपरहिट रही, लेकिन जो फ्रेंच मूवी आई थी वो फ्लॉप गई थी। फिलहाल हमारे बॉलीवुड वालों ने हॉलीवुड की कॉपी करते हुए इसके अंदर फेरबदल कर दिए। हॉलीवुड वाली मूवी के अंदर तो देखो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बचा रहा है, लेकिन बॉलीवुड वाली मूवी के अंदर वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को बचा रही है। वुमन एम्पावरमेंट वाली बात होगी ना। और यहाँ पर बॉलीवुड वालों ने एक धार्मिक कार्ड भी खेल दिया, रिलीजियस फैक्ट, जैसे कि सावी का पूरा नाम सावित्री है जिन्होंने अपने हस्बैंड की जान यमराज से बचाई थी। भाई हमारे देश में तो धर्म के नाम पर लोग देख ही लेंगे ना। मूवी के अंदर देखो मुझे एक ही चीज अच्छी लगी, वो है अनिल कपूर सर की एंट्री। वो उनको एक कोई सीरियस मतलब परफॉर्मेंस नहीं दी गई है, एक कॉमेडी के तौर पर वहां पर उनको रखा गया है कि जब भी वो स्क्रीन पर आए हैं चेहरे पर स्माइल आई है। एक तरीके से कह सकता हूँ कि यार इकलौते एक ऐसे वही थे जिनके कारण मुझे मूवी अच्छी लगी है। बाकी मूवी में देखो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बात करें दिव्या खोसला जिन्होंने प्ले किया है सावी का करेक्टर, यार उनको देखकर लगता ही नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रही है। 0 एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे लगते हैं। फिर इस मूवी के अंदर हर्षवर्धन राणे भी हैं जिनको एक तरीके से कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं दिया गया। बस हाँ उनको जेल में रखा दिखाया गया है कि बस हाँ वो जेल में है और अपने वाइफ का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी वाइफ जो है उसको बचा के लेके जाएगी। मूवी को कोशिश किया गया सीरियस बनाने का, क्राइम थ्रिलर बनाने का, लेकिन मूवी बन रही है कॉमेडी। मतलब कुछ ऐसे सीन इसके अंदर आते हैं जो आपको हंसा देते हैं, और सच कहूं कि वो वाले सीन फार बेटर हैं इस मूवी के। जो भी थ्रिलर कह लो या फिर जो भी सीरियस सीन है उनसे बहुत बढ़िया सीन लगे मुझे वो कॉमेडी वाले। मतलब उनको देखकर हंसी आ रही थी, वो अच्छे लगे मुझे। अब मैंने हॉलीवुड वाली मूवी तो देख नहीं रखी कि उसके अंदर कहानी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ बॉलीवुड वालों को तो आदत रही है कि मिर्च मसाला लगाकर मूवी को दिखाया जाए। जो भी रीमेक बनाया जाती है उसके अंदर मिर्च मसाला तो ये लगाएंगे। तो यहाँ पर स्टोरी तो इतनी इंटरेस्ट मुझे लगी नहीं। अब प्लान जो बनाया जाता है सावी के द्वारा अपने हस्बैंड को बचाने का, यार वो देखकर हंसी आ जाती है। इस तरीके के प्लान, सबसे सिक्योर जेल को तोड़ना और जो वहां पर चीजें हो रही हैं, यार वो बिलीव नहीं होता। और आप जेल तोड़ने की बात कर रहे हो कि जेल तोड़कर अपने हस्बैंड को निकालना है, अपने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए कौन सी लीगली लड़ाई लड़ ली? क्या कोई कोर्ट केस वहां पे चला था? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई भी सीन हमें नहीं देखने को मिलता कि जहां पर कोर्ट केस हो रहा है, जहां पर मुकदमे चल रहे हैं, नहीं। यहां पर तो सिंपल पुलिस आई, नकुल को पकड़ा, कोर्ट ने बोला भैया जेल में इसने मर्डर किया, बस हो गई बात। यार कुछ तो चीजें थोड़ी बहुत फैक्चुअल दिखा दो जहां पर यकीन हो जाए जनता को, हाँ यहां पर वाकई में कोशिश की जा रही हो। कोई भी कोर्ट केस नहीं हो रहा, पुलिस का झक मार रही है, सिंपल। इतना मतलब बकवास कानून है लंदन के अंदर कि हाँ किसी भी इंसान को बिना कोई सबूत के उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। इतने सारे लूप होल्स है मूवी के अंदर जो मूवी का इंटरेस्ट घटाते हैं। और मुझे यकीन नहीं होता IMDb के ऊपर इस मूवी को 7 out of 10 रेटिंग दे रखी है। यार कैसे कैसे वो मुमकिन हो सकते हैं? मेरे लिए तो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 3.5 out of 10। वो भी 3.5 इसलिए क्योंकि मुझे अनिल कपूर सर की जो परफॉर्मेंस है, जो भी उनको डायलॉग इसके अंदर दिए गए, जो भी उनका रोल इसके अंदर रहा है, वो काफी मुझे पसंद आया है। उनको देखकर मैंने मूवी को मतलब एक तरीके से एंजॉय ही किया है। उसके अलावा मूवी के अंदर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि मूवी आपको कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो मेरी तरफ से तो यार मैं कोई भी इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप 2 घंटे इस मूवी को देंगे, इससे बेटर तो कुछ और चीज कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।